मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड से आ रही है। हरलाखी प्रखंड के हिसार पंचायत के लोगों को हो रही इस विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ड सदस्यों के नेतृत्व में बालिकाओं उच्च विद्यालय से पैदल मार्च कर प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना का नेतृत्व करते वार्ड चार की सदस्य राजू देवी, वार्ड एक की मनोरिया देवी ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन सहित अन्य पेंशन योजनाओं का आवेदन करने के बावजूद दर्जनों लोगों का पेंशन की लाभ से वंचित है। वही रामनारायण शाह ने कहा कि पंचायत के कई वार्डों में राशि के अभाव में नल जल का काम अधूरा है। इस दौरान राजस्व कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी के द्वारा दाखिल खारिज करने व रसीद काटने के लिए पैसा का डिमांड किया जाता है। इसके अलावा कई पंचायत सहित कई समस्याओं का वर्णन करते हुए कहा कि पंचायत में विकास काम कछुए की रफ्तार से चल रही है और संबंधित पदाधिकारी से शिकायत करने पर अनुशासन कर दिया जाता है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। धरना में योगेश्वर बैठा, राम सुंदर पासवान, ललित पासवान, नथनी शाह, राम सागर बैठा, श्री कृष्ण कामत, जीवछ मंडल समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। मधुबनी से आरजी बिहार न्यूज के लिए गोपाल राजा की रिपोर्ट। धन्यवाद। सरकार का कहना है जो अपना जमाबंदी निकाली नंबर वार्ड में अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ था, आज तक जो हम लोग काम आगे बढ़े उसमें जोड़ना चाहता है, दूसरे नल जल दूसरे जो वार्ड में जो था उससे जोड़ना चाहता था, इसीलिए हम लोग धारणा किए हैं। चार में नहीं हुआ है, एक में नहीं हुआ है और तीन में, बारह में अधूरा सब काम है, उसको सुचारू ढंग से चलाना चाहते हैं। खाता में पैसा नहीं गया हुआ? नहीं गया है। जॉब कार्ड जिन लोगों को मिला है उसका पेमेंट सही से नहीं हो रहा है, और जो इधर आपको ये इंदिरा प्रधानमंत्री योजना आवास योजना के अंतर्गत है उसमें भी कुछ इधर उधर हो रहा है, जो पब्लिक का सुनने का मौका मिल रहा है। जो हम सब चाहते हैं जो हमारा हिसार पंचायत में ढंग से काम हो सब। मेरा परिचय, मेरा नाम राम नारायण शाह हुआ, जमीन का बंटवारा, घर मेरा हिसार हुआ।